जिज्ञास हो, आज मैं आपके समक्ष मासिक राशि भविष्य के संदर्भ में मीन राशि वालों के लिए नवंबर 2020 कैसा रहेगा वो दर्शाने जा रहा हूँ। मीन राशि वाले व्यक्ति सावधान रहो और मस्त हो रहो, क्योंकि आपका समय बहुत बहुत दिनों के बाद बहुत बहुत अच्छा होने जा रहा है। इस महीने में परिवर्तन जो करने वाले ग्रह क्या हैं, 14 तारीख को मंगल अपनी मीन राशि से जो बकरी चल रहे हैं वो मेष राशि पर जाएंगे 14 तारीख को, और 17 तारीख को बुधदेव परिवर्तन करके वृश्चिक राशि पर जाएंगे, और 23 तारीख को 20 तारीख को जैसे गुरु परिवर्तन करके अपनी धनु राशि से और मकर राशि पर जाएंगे जो कि उसकी नीच राशि है। लेकिन नीच राशि पर जरूर हैं लेकिन बहुत अच्छा फल देंगे। इस प्रकार से इन ग्रहों का परिवर्तन और सूर्य का 15 तारीख को परिवर्तन हो ही रहा है, जो हर महीने की 15 तारीख के लगभग परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से आपकी राशि मीन राशि वालों का स्वामी होता है गुरु, और गुरु का जो परिवर्तन है आपको कैसा रहेगा वो बताता हूँ। अभी गुरुदेव आपकी राशि से दसवें चल रहे थे जो कि चिंता कारक बने हुए थे, कर्म क्षेत्र की चिंता आपको व्यग्र कर रही थी, नुकसान पहुंचा रही थी, मन में असंतोष दे रही थी। यही गुरुदेव आपके 20 नवंबर में जा करके आपकी राशि से 11वें हो जाएंगे, लाभ भाव में आ जाएंगे। जब गुरु 11वें होंगे, लेकिन वो राशि तो नीच है, नीच राशि पर अच्छे तो होंगे, आपका राशि स्वामी भी है मीन राशि वालों को, और 11वां लाभ भाव भी अच्छा है, लेकिन राशि नीच की है तो नीच की राशि तो खराब माने जाते हैं। लेकिन क्या शनि वहीं पर विराजमान है, तो शनि भी 11वें है और गुरु 11वें हो जाएंगे तो विशेष लाभान्वित होंगे। नीच भंग राजयोग बनने वाला है, नीच भंग राजयोग और सस्योग दो राजयोग वहां पर बनेंगे, तो मीन राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले होने वाला है 20 तारीख से। उसके पश्चात शनिदेव की स्थिति क्या रहेगी, शनिदेव आपके 11वें भाव में है तो आपके स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सजग और सहज रहें, और संतान के प्रति भी थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि संतान को वायुगुण आपके गैस में पेट में गैसेस्ट्रिबल बना सकते हैं, वायु पीड़ा कर सकते हैं, वायु विकार से आपको कष्ट हो सकता है। ये शनिदेव आपकी राशि से 11वें आने चल रहे हैं, साथ साथ में 11वें होने के साथ यही शनिदेव आपके जो 11वें हैं वो आयु में भी थोड़ी कष्ट पैदा कर रहे हैं। तो गुरु बच्चे हो रहे हैं, शनि की स्थिति बताई, और मंगल देव आपकी मीन राशि से उचड़ कर मेष राशि से आ रहे हैं, दूसरे होंगे आपकी राशि से, दूसरे स्थान पर जाएंगे। मेष राशि अपनी राशि पर बैठने वाला ग्रह बड़ा बलवान मजबूत, एक तो मंगल सेनापति है, खूंखार ग्रह है, खुद दबंग है, और साथ साथ में जो है तो निडर उत्साहसी ग्रह है, ऊर्जा शक्ति उसके पास विशेष है, खुद तीसरा स्थान उसका सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। तीसरा मंगल क्या करेगा, तीसरा मंगल पराक्रम का स्वामी है, पराक्रम में बैठेगा, अपने स्थान पर बैठ करके मजबूत जैसो कार्य करने वाला है। आपके जो आलस आ रहा है अभी तक वो आलस को मिटा देगा, वो कर्मठता से उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी, आपको उद्योगी बना देगा, आपको सतत उद्योग करके लक्ष्मी प्राप्त करने में सहायक बनेगा। ये मंगल 14 तारीख को परिवर्तन कर रहे हैं 14 नवंबर को, यहाँ से ही आपके अच्छे दिन फिरने लगेंगे और आपका आलस समाप्त हो जाए, लक्ष्मी के योग दिन में आने वाले हैं। इस प्रकार से मीन राशि वालों को गुरु का, शनि का और मंगल का मैंने परिवर्तन दिखाया। अब दूसरा परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए क्या रहेगा, मीन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा राहु है जो तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तीसरे स्थान का राहु एकदम
रोग और शत्रु दोनों का विनाश होगा। जितने पुराने शत्रु हैं नष्ट हो जाएंगे, रोगों की विकृति आ जाएगी, रोग नष्ट हो जाएंगे और शत्रुओं का विनाश होने के साथ साथ लक्ष्मी योग वरदान बनेंगे, धन प्राप्ति का सहज स्वरूप स्वभाव बनने वाला है। तो राहु देव भी आपके अनुकूल विशेष होंगे। उसके पश्चात सूर्य की स्थिति क्या रहेगी? सूर्य की स्थिति रहेगी आपकी जो राशि मीन है, मीन राशि से जो सूर्य देव हैं वो दशम स्थान पर जाएंगे। दशम स्थान पर जा तो नीच राशि के होंगे तो कर्म में थोड़ी सी व्यवधान डालने वाले रहेंगे। और शुक्रदेव आपकी मीन राशि से साथ में होंगे जो कि नीच राशि के होंगे, इसलिए स्त्री का स्वास्थ्य स्वभाव बिगड़े, स्त्री से विवाद हो, पत्नी का थोड़ा सा समस्या समाधान कर लें तो ठीक रहना, अन्यथा बड़ा विवाद हो सकता है। और बुधदेव आपकी राशि से जो कि छठ सात आठ और अष्टम हैं, अष्टम बुध बहुत अच्छे नहीं माने जाते, ये भी हानिकारक हैं। इस प्रकार से पूरे सप्ताह पूरे महीना भर मीन राशि वालों के लिए जो समय चक्र मैंने दर्शाया वो भरा पूरा मिला जुला रहेगा, लेकिन विशेष अच्छा होने जा रहा है। बस क्योंकि अच्छे समय की आप जो प्रतीक्षा कर रहे थे वो 14 तारीख से कुछ 20 तारीख से एकदम आपकी प्रतीक्षा के दिन समाप्त होते हैं और लाभान्वित होने का समय आ रहा है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हरिओम।